Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the ASIN, the Center for Learning English, KG Road, Arab. Dear students, as you know, we are studying time and tense. और टाइम एंड टेंस में कई वीडियोस आए हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। सो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने बोर्ड पर लिखा है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस में ये तीनों आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और उसी प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तीनों आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें जानना ये है कि हम कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब करेंगे। नॉर्मली जो आप समझते हैं, जिस तरह से आप पढ़ते आए हैं कि जिस वाक्य अंत में रहा रही हो वो कंटिन्यूअस है और जिस वाक्य अंत में ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हो, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये इस तरह से पढ़ाई होती है। तो कुछ सीमा तक ये काम करेगा जैसा पहले के वीडियो में मैंने बताया था, बट इन द लॉन्ग रन इट विल फेल, ये काम नहीं आएगा। सो वैसे हमें नहीं पढ़ना है। हम इसे कैसे समझें, आप देखें बोर्ड पर। कंटिन्यूअस का एक एग्जाम्पल हमने लिखा आई एम प्लेइंग, एंड हियर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है आई हैव बीन प्लेइंग। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं खेल रहा हूँ और मैं खेलता आ रहा हूँ। ऐसा कहना कुछ सीमा तक, कुछ हद तक सही होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये ठीक नहीं होगा। सो हम कंटिन्यूअस को मैथमेटिकली समझेंगे। कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप ऐसे समझ लें कि कंटिन्यूअस अगर एक बार आए तो उसे कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा, एंड इफ इट कम्स मोर देन वंस, और अगर एक से ज्यादा बार आए, कम से कम दो बार, तीन बार, पांच बार, जितनी बार भी आए, इफ कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस रिमेन, अगर वो रहे तो दैट बिकम्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस एक बार आएगा तो उसे कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा, और अगर एक से अधिक बार आए तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कंटिन्यूअस एक बार आया है या एक से अधिक बार आया, दैट इज द क्वेश्चन। सो यहां एग्जाम्पल दो है, मैं खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग, और दूसरा है मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं, और यहां हमने बनाया आई एम प्लेइंग फॉर 10 डेज। यहां भी रहा हूं, यहां भी रहा हूं। नॉर्मली जो पढ़ाई होती है वो ये कि जिस वाक्य अंत में रहा रही हो उसे कंटिन्यूअस बनाते हैं। So when you translate this sentence into continuous, I am playing, the sentence is correct. I am playing. लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं 10 दिनों से खेल रहा हूँ और आपने इसे continuous में बनाया I am playing for 10 days, तो that becomes wrong. The sentence is wrong. तो दोनों में जो अंतर है वो कुछ phrases का है, और वो phrase ये हैं 10 दिनों से। अगर for 10 days को हटा दिया जाए तो I am playing बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो नियम को जरा देखें कि जिस वाक्य अंत में रहा रही होता है उसे कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो रहा रही यहां भी है और यहां भी है। यहां कंटिन्यूअस में बना, द सेंटेंस इज करेक्ट। यहां कंटिन्यूअस में बनाया, द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो फिर लोग ये बताते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए 10 दिनों से, 5 मिनट से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, तो आई एम प्लेइंग नहीं, आई हैव बीन प्लेइंग कहते हैं। नॉर्मली इसी तरह से पढ़ाई होती है, लेकिन आप इसे आज दूसरे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस एक बार आए तो कंटिन्यूअस में बनाएंगे, और एक से अधिक बार आए तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया जाएगा। तो आप इसे ऐसे समझ लें कि जब कोई कहता है मैं 10 दिनों से खेल रहा हूँ, सपोज कि आज 10 तारीख है, और 10 को कोई कहता है कि मैं 10 दिनों से खेल रहा हूँ, तो क्या वो 9 को खेल रहा था कि नहीं? अगर आप 9 को जाते और पूछते व्हाट आर यू डूइंग, तो वह कहता आई एम प्लेइंग। अगर आप 8 को जाते और पूछते कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वो कहता आई एम प्लेइंग। अगर 10 दिन आप उसके पास जाते और 10 दिन पूछते कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वो 10 बार बोलता आई एम प्लेइंग। सो आई एम प्लेइंग एक बार नहीं बल्कि एक से अधिक बार आया है, और ये 10 दिनों से बता रहा है कि ये एक्शन, ये कंटिन्यूअस एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। सो कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आई एम प्लेइंग इंटू आई एम प्लेइंग इज इक्वल टू आई हैव बीन प्लेइंग। Let us take one more example. I am going into I am going is equal to I have been going. He is dancing into he is dancing is equal to he has been dancing.
बात 10 दिनों से नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं 5 मिनट से गा रहा हूँ तो आई एम सिंगिंग फॉर 5 मिनट्स और आई हैव बिन सिंगिंग फॉर फाइव मिनट्स। सो कंटिन्यूस अगर एक बार आए तो कंटिन्यूस में बनाएंगे, अगर एक से बार ज़्यादा बार, एक से अधिक बार आए तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। अब यहाँ एक बात और भी समझना है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ हो सकता है आप किसी और रूप में उसे ले रहे हों, तो इसके लिए हम दो शब्द को समझेंगे, दो शब्दों को। एक शब्द है लर्न और दूसरा है अक्वायर। लर्न और अक्वायर, लर्न वो है जो बताया जाए वही समझा जाए तो लर्न है। अक्वायर उसे कहते हैं कि बताया कुछ जाए और समझा कुछ जाए तो दैट इज कॉल्ड अक्वायर। बताया कुछ जाए, समझा कुछ जाए तो उसे अक्वायर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब कि वो जो गलत समझा जाए उसे अक्वायर कहते हैं। नो, वो गलत भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जब मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग और मैं 10 दिनों से खेल रहा हूं तो आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 10 डेज, तो आपके मन में ये मैसेज जाएगा, आप ये अनोइंगली अक्वायर करेंगे अनजाने में कि अगर टाइम रहे 10 दिनों से, 2 दिनों से, 5 दिनों से, जैसा कि पुस्तकों में भी ये नियम लिखे गए हैं, तो हम उसे आई हैव बिन प्लेइंग से बनाएंगे। मतलब टाइम रहे तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, टाइम ना हो तो फिर सिंपल कंटिन्यूस बनेगा। लेकिन ऐसा अगर अक्वायर कर रहे हैं तो ये बात गलत है। टाइमिंग नहीं भी होगा और फिर भी हम सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस ये है कि ही इज एग्जॉस्टेड, वो थक गया है बिकॉज, क्योंकि ही इज वर्किंग और ही हैज बिन वर्किंग, कोई टाइम नहीं है। अगर आप ही इज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही इज वर्किंग द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। कोई टाइमिंग नहीं है, फिर भी हम ही हैज़ बीन वर्किंग कहेंगे क्योंकि वो जो थका है तो थका इसलिए नहीं कि अभी उसने काम किया और अभी वो थक गया। काम करना लंबे समय से चला है, काम करना एक बार नहीं बल्कि अनेक बार हुआ है, दैट इज वाई ही इज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैं वो बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं इसलिए आप उसे गौर से समझेंगे। किसी ने कहा, किसी से, ए ने बी से कहा कि तुम इतने पसीने से तरबतर क्यों हो, तुम पसीने से पूरे भीगे हुए हो, ऐसा क्यों है? तो वो कहता है कि सर आई एम स्वेटिंग, मैं पसीने से तरबतर हूं क्योंकि मैं धूप में काम कर रहा हूं और आई एम वर्किंग इन द सन और I have been working in the sun। कोई टाइमिंग नहीं है, फिर भी परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा चूंकि काम करना एक बार नहीं बल्कि अनेक बार हुआ है। उसी प्रकार जब हमने कहा कि कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटू प्रेजेंट कंटिन्यूस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूस इंटू पास्ट कंटिन्यूस इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो लेट अस इमेजिन द सेंटेंस, आई एम प्लेइंग को हम आई वॉज प्लेइंग कर दें तो आई वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा आई हैड बीन प्लेइंग। तो मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं 10 दिनों से खेल रहा था, इफ यू ट्रांसलेट आई वॉज प्लेइंग फॉर 10 डेज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो आई वॉज प्लेइंग इंटू आई वॉज प्लेइंग इज इक्वल टू आई हैड बीन प्लेइंग, सो मैं 10 दिनों से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 10 डेज। So this is the crystal concept of the two tenses, continuous tense and perfect continuous tense. तो जब भी आप अब इन continuous tense का study करेंगे, चाहे वो perfect continuous हो या perfect या simple continuous tenses हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि action कब स्टार्ट हुआ, मतलब लंबे समय से एक्शन स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूस एक बार नहीं बल्कि अनेक बार हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में हम परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करेंगे। टाइम उसमें हो सकता है 10 दिनों से, 5 दिनों से, नहीं भी हो सकता है। जिस बात का होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि एक्शन लंबे समय से चल रहा है या नहीं। सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज टू टेंसेज,
continuous and perfect continuous tenses. Thanks for watching this video. Keep on learning English and don't fail to share my YouTube channel with as many friends as you can. Thanks a lot. Till we meet again.